हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जी सुपर। आज हम बात करने वाले मार्च मंथ में कौन कौन सा कंटेंट देखने को मिलने वाला है ओटीटी और थिएटर्स में। सो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ओटीटी पर रिलीज होने वाली मूवीज और वेब सीरीज के बारे में। 5 तारीख को देखने को मिलने वाला है हमें वांडा विजन का लास्ट एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इसके सारे एपिसोड जबरदस्त से, सारे एपिसोड मेरे अपने चैनल पर एक्सप्लेन करके रखे हैं, लिंक ऊपर मिल जाएगी नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसका लास्ट एपिसोड भी मैं अपने चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बढ़ते हैं 8 तारीख पे। 8 तारीख को हमें दो कंटेंट देखने को मिलने वाला है, हमें वर्ल्ड बालाजी पे और Z5 पे द मैरिड वुमेन नाम की सीरीज देखने को मिलने वाली है। इस सीरीज में हमें रिधि डोगरा और मोनिका डोगरा लीड में देखने को मिलती है। सीरीज में हमें रोमांस और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं 8 तारीख को दूसरा कंटेंट देखने को मिलने वाला है हमें, जो है बॉम्बे बिगम। ये सीरीज हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। लीडिंग रोल में हमें पूजा भट्ट देखने को मिलने वाली है इस सीरीज में। 12 तारीख को रिलीज होने वाली Z5 पे कबूल है 2.0, इसमें हमें लीडिंग रोल में करण ग्रोवर और सूर्य ज्योति देखने को मिलने वाले। 12 तारीख को रिलीज होने वाली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टीडी तेलुगु मूवी, ये मूवी एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। इसमें हमें स्टार कास्ट आर्या भी देखने को मिलने वाले है। 15 तारीख को देखने को मिलने वाले अर्ल बालाजी पे काबू सीजन 2, इसका सीजन 1 जबरदस्त गया था, अभी देखना है सीजन 2 कितना जबरदस्त निकलता है। 18 तारीख को रिलीज होने वाली है इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग। ये मूवी सिर्फ HBO Max पे रिलीज होने वाली है, बट इंडिया में कैसे देखने को मिलने वाली है अभी तो कुछ अपडेट्स नहीं है। इंडिया में कैसे देखने को मिलेगा, कुछ अपडेट आता है तो मेरे चैनल पे बता दूंगा या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते है, उधर में भी अपडेट डालता रहता हूँ। अगले दिन हमें 19 तारीख को देखने को मिलने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मार्वल की अगली सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। वैसे तो इस सीरीज का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, इस सीरीज में हमें भर भर के एक्शन देखने को मिलने वाला जरूर है। इस सीरीज में हमें जेमो विलन देखने को मिलने वाला है, जो हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने को मिला था। इस सीरीज के भी एक एक एपिसोड वीक में एक दिन फ्राइडे को रिलीज होंगे, जिसे वांडा विजन के होते हैं। अगली सीरीज भी हमें 19 तारीख को ही देखने को मिलने वाली है, सीरीज का नाम स्काईरोज, ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। ये सीरीज क्राइम थ्रिलर सीरीज होने वाली है, ये सीरीज मनीष के मेकर्स ने बनाई है। ये सीरीज पे फोकस होगा 3 लड़कियों पे। 19 तारीख को जो तीसरा कंटेंट हमें देखने को मिलने वाला है द वाइफ Z5 पर रिलीज होने वाली है, ये सीरीज हॉरर सीरीज होने वाली है। इस सीरीज में हमें लीड में गुरमीत चौधरी और सयनी दत्त देखने को मिलने वाले है। आगे बढ़ते हैं 26 तारीख को हमें दो कंटेंट देखने को मिलने वाले है। फर्स्ट ऑफ ऑल Z5 पर रिलीज होने वाली है साइलेंस, इस मूवी में हमें मनोज बाजपेयी और प्राची देसाई देखने को मिलने वाले हैं। ये मूवी क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है। 26 तारीख का सेकंड कंटेंट होने वाला है पगलेट, ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलने वाली है। ये मूवी कॉमेडी मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमें सानिया मल्होत्रा, श्रुति शर्मा, सानिया गुप्ता और आशुतोष राणा देखने को मिलने वाले है। मार्च महीने में हमें सोनी लियोन की मुंबई डायरीज 26/11 भी देखने को मिलने वाली है, बट उसकी रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं है। अब बात करते हैं मार्च मंथ में थिएटर्स में रिलीज होने वाली मूवीज के बारे में। 11 तारीख को रिलीज होने वाली है रूई, ये मूवी हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमें जानवी कपूर, राजकुमार राव, वरुण शर्मा देखने को मिलने वाले हैं। 12 तारीख की दो मूवी रिलीज होने वाली है। फर्स्ट मूवी है टाइम टू डांस, ये मूवी डांस पे बेस्ड होने वाली है। इस मूवी में हमें एलिजाबेथ कैफ, सूरज पंचोली और राजपाल यादव देखने को मिलने वाले हैं। और सेकंड मूवी होने वाली है फौजी कॉलिंग, ये मूवी एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमें शर्मन जोशी देखने को मिलने वाले है। अगली मूवी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है 19 तारीख को मुंबई सागा, ये मूवी एक्शन पैक मसाला मूवी रहेगी। इस मूवी में हमें फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है जॉन इब्राहिम का और इमरान हाशमी का और सुनील शेट्टी और बहुत सारे स्टार कास्ट हमें देखने को मिलने वाले इस मूवी में, अभी देखना है ये मूवी कितनी जबरदस्त निकलती है। 19 तारीख को सेकंड मूवी रिलीज होने वाली है फ्लाइट, ये मूवी एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। 19 तारीख को थर्ड मूवी रिलीज होने वाली है संदीप और पिंकी फरार, ये मूवी ड्रामा थ्रिलर होने वाली है। इस मूवी में अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा हमें देखने को मिलने वाले लीडिंग रोल में, अभी देखना है तीनों में से कौन सी मूवी का हाल बेहाल होता है। अगली मूवी 26 तारीख को रिलीज होने वाली है मॉन्स्टर यूनिवर्स से कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला, इसमें दोनों की बैटल देखने को मिलने वाली है। वैसे तो इंडिया में इस मूवी के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिला था। आगे ये मूवी 31 को HBO Max में रिलीज होने वाली है और 26 तारीख को और दो मूवी रिलीज होने वाली है, कोई जाने ना और हाथी मेरा साथी। कोई जाने ना, इस मूवी के फिलहाल तो इतनी ज्यादा अपडेट्स आई नहीं है। और बात करें तो हाथी मेरा साथी, ये एक ड्रामा मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमें राणा दुगोपति, श्रेया पिलगांवकर और पुलकित सम्राट देखने को मिलने वाले है। सो गाइज, मार्च के मंथ में इतना ही कंटेंट हमें देखने को मिलने वाला है ओटीटी और थिएटर्स में। सो आज के लिए इतना ही, आप कौन सी सीरीज और मूवी के लिए एक्साइटेड कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर करो, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको ग्रे कर दो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।